स्टूडेंट्स म्यूसिस वॉज डिस्कवर्ड इन 1876 सेवनटी म्योसिस को सबसे पहले किस ईयर में डिस्कवर किया था 1876 में और किसने किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या है ऑस्कर हर्टविक ठीक है तो ऑस्कर हर्टिग ने 1876 के अंदर फर्स्ट टाइम म्यूसिस को डिस्कवर किया सो व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ म्योसिस म्यूसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय सिक्स बायर्मन बायोलॉजिस्ट नोन एज ऑस्कर हर्टविक now see the definition of meiosis. what basically meiosis is. meiosis is defined as a type of cell division in which parent cell divide into four daughter cells. यानी yani meiosis cell division की वो type है जिसके अंदर एक parent cell divide होता है और एक parent cell से फिर four daughter cells जो हैं वो produce होते हैं या बनते हैं ठीक है। और हर daughter cells के अंदर कितने number of chromosome जाते हैं half ठीक है। अगर parents के अंदर टू क्रोमोसोम्स हैं ठीक है थीके? तो फिर uh, एक पेरेंट सेल्स के अंदर टू है तो उससे दो डॉटर सेल बनेंगे और हर एक के अंदर एक एक क्रोमोसोम जाएगा ठीक है तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46 सिक्स हैं ठीक है थीके? तो 46 अगर पेरेंट सेल के अंदर है तो वो डिवाइड होगा टू में तो उसमें कितने जाएंगे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री जाएंगे तो इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हाफ हो गए ठीक है म्योसिस वो स्टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है फोर डॉटर सेल्स के अंदर और हर डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होता है ठीक है एस कंपेयर्ड टू देयर पेरेंट्स व्हाट इस म्योसिस म्योसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट्स सेल्स डिवाइड � दिस मियोसिस इज आल्सो रिडक्शन डिवीजन इस मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं ठीक है और अब इस मियोसिस को जो है इस मियोसिस के प्रोसेस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं बिकॉज द डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हैपलाइड यानी पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है डिप्लाइड होता है नाउ वट इज द डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसको क्या कहते हैं डिप्लाइड यानी जब दो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये क्या है डिप्लाइड है और इस डिप्लाइड को डिनोट करते हैं टू एन से ठीक है यहां आप देख सकते हैं डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर टू एन ठीक है और ये डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैंपलाइड है में अब हैपेलाइड क्या है व्हेन क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर्स जब क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते देयर नंबर इज कॉल्ड हैपलाइड तो उनके नंबर को क्या बोलते हैं हैंपलाइड और हैपलाइड को डिनोइड करते हैं सिंपल एन से ठीक है तो मियोसिस को जो है वाई इज नोन एज द रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट इज द रिडक्शन डिवीजन एज द डिप्लाइड क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हैपलाइड नेक्स्ट द अक्रस ऑफ म्यूसिस वेन द प्रोसेस ऑफ म्योसिस अकर म्योसिस अकर्स ड्यूरिंग गेमीटो म्योसिस कब होता है गेमीटोजेनेसिस के अंदर होता है ठीक है कब एनिमल्स के केस में एनिमल के केस में जब गेमीटोजेनेसिस होती है गेमीटोजेनिस किसको कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यानी वो प्रोसेस जब जिसके जिसके थ्रू स्पम और ओवा बनते हैं ठीक है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है मियासिस होती है ठीक है ये किस के केस में एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केसेस में क्या होता है ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस यानी प्लांट्स में तो स्पोर्स बनते हैं ठीक है तो जिन प्लांट्स के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है तो इस प्रोसेस के आ, दौरान भी जो है वो क्या हो रहा होता है मियोसिस हो रहा होता है ठीक है सो व्हाट इज द दिंगस ऑफ मियोसिस मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस एंड गेमिटोजेनिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पम एंड ओवर इन केस ऑफ एनिमल्स एंड स्पोरोजेनेसिस इन केस ऑफ व्हाट प्लांट्स नाउ द स्टेजेस ऑफ मियोसिस देयर आर टू मेन स्टेजेस ऑफ मियोसिस यू कैन सी हियर फर्स्ट वन इज मियोसिस 1 एंड सेकंड इज मियोसिस 2 नाउ व्हाट इज मियोसिस 1 दिस फेज कम्प्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस म्योसिस वन जो है इसके अंदर फर्दर फेजेज होते हैं उन फेज के थ्रू स्टेप वाइज जो है वो क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो डिवीजन प्रोसेस होता है सेल के अंदर जो डिविजन प्रोसेस होता है वो इन फेजेस से गुजर के होता है ठीक है और ये फेजेस कौन से हैं प्रोफेज वन मैटाफेज वन एनाफेज वन टीलो फेज वन म्योसिस वन है तो इसलिए सबके साथ वन वन लगेगा ठीक है तो स्टूडेंट्स बेसिकली म्योसिस के अंदर कितनी स्टेजेस हैं द फेजेस कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ठीक है stages, ये जो फेज है म्योसिस वन का इसके अंदर जो है फोर स्टेजेस होती हैं विच वन प्रोफेज वन मैटाफेज वन एनाफेज वन एंड टीरो फेज वन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रो फेज वन ठीक है म्योसिस वन so, के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं प्रो फेज वन को ठीक है प्रो फेज वन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मीओसिस म्योसिस के अंदर जो प्रोफेज क्युं वन है ये लॉन्गेस्ट फेज है क्यों है क्योंकि ये म्योसिस के अंदर टोटल जो टाइम अगर हंड्रेड परसेंट है तो उसमें नाइन्टी परसेंट जो टाइम स्पेंड होता है वो किसके अंदर होता है किस फेज के अंदर होता है प्रोफेज वन के अंदर इस स्टेज के अंदर जो है वो नाइन्टी परसेंट टाइम टोटल टाइम का नाइन्टी परसेंट स्पेंड होता है इस वजह से हम कहते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मीओसिस क्लियर वट इज प्रोफेज वन इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मीओस एंड इट अकाउंट फॉर नाइनटी परसेंट ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड इन म्योसेज नाउ दिस प्रोफेज वन इज फर्दर डिडेड इंटू फाइव सब स्टेजेस ये प्रोफेज वन को फर्दर फाइव सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हो रहे होते हैं उनकी बेसिस पे हम इनको फर्दर फाइव सब स्टेज में डिवाइड किया है ठीक है अब वो कौन कौन सी है फर्स्ट वन इज नोन इज लिप्टोटीन क्या है लिप्टोटीन जयगोटीन pachytene, diplotene and fifth one is known as diakinases. So there are how many five uh, uh, there are how many uh, sub -stages of prophase 1 there are five substages of prophase 1 and what are the names of these five the name of these five substages are liptotene, zygotene, pachytene, diplotene and diakinases. अब हम प्रोफेज़ को स्टडी करने से पहले आपको मैं रिकॉल करवाती हूँ कि सेल जब हमने पढ़ा था कि इंटरफेज़ में जब हमने बात की तो इंटरफेज़ के एंड पे सेल जो है वो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होता है ठीक है उसमें क्या होता है न्यूक्लियोलस मौजूद होता है ठीक है न्यूक्लियर इन्वेलप होती है और ग्रोमेटिन होती है यहाँ पे आप ये देखें कि क्रोमोसोम यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है की फॉर्म में और ये क्या है मैशअप बना हुआ है ठीक है इसमें कोई प्रोमिनेट हम, हमें क्रोमोसोम्स नहीं नजर आ रहे लेकिन जैसे ही सेल जो है वो इंटर होता है किसके अंदर प्रोफेज वन के अंदर तो इसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं ठीक है जिसमें से फर्स्ट क्या है सब स्टेज क्या है लिप्टोटीन नाउ व्हाट गोज इन द लिप्टोटीन लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल है ठीक है हमने सेल को ड्रॉ किया सबसे बाहर क्या है सेलमेमब्रेन है सेल मेमब्रेन के अंदर पीछे जो हमने देखा तो वहां पर क्रोमोसोम्स जो है वो किसकी फार्म में थे क्रोमेटिन की फार्म में थे ठीक है उसमें डीएनए भी था क्रोमेटिन भी था ठीक है तो उसके बाद जब ये प्रोफेज के अंदर एंटर होता है तो यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है ठीक है ये साइज़ जो है इनका इनको प्रॉपर हम क्रोमोसोम की फॉर्म में देख सकते हैं तो हम लिप्टोटीन को क्या कहते हैं ये वो फेज़ है जिसमें सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस होता है ठीक है इसका साइज इनलार्ज होता जाता है ठीक है ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है क्या है न्यूक्लियस है इसका साइज इनलार्ज हुआ और जो सेंट्रियोल्स से है वो क्या है पहले वो न्यूक्लियस के एक साइड पे होते हैं ये जस्ट आपको बताया गया है समझाने के लिए कि यह यहाँ से माइग्रेट करके सेंट्रियोल्स जहाँ पे आए हैं बेसिकली टू पेयर्स होते हैं ठीक सेंट्रियोल है सेंट्रियोल्स क्या होता है यहाँ पे माइग्रेट करके ऑपोजिट पोल पे आ जाते हैं न्यूक्लियस का साइज इनलार्ज हो जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर प्रॉपर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं ठीक है सो क्लियर वॉट इज लिप्टोटीन लिप्टोटीन इज अ सब फेज ऑफ प्रोफेज वन ठीक है एंड इन दिस स्टेज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज वट इज द फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस इसमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है एंड सेकेंडली क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल ठीक है क्रोमेटिन मटीरियल जो पहले इस तरह से थ्रेड्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं ठीक है थीके? मेशअप की फॉर्म में इरेगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं यहाँ पे उनकी कंडेंसेशन होती है और उसकी वजह से हमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हमें नज़र आते हैं किसकी तरह थ्रेड्स की तरह, तरह ठीक है और हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर टू क्या होते हैं सिस्टर्स क्रोमेटिड्स होते हैं अगर एक क्रोमोसोम यहाँ पर हम लोग देखते हैं ठीक है तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं वन एंड टू तो ये जो एक ही क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटेड होते हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटेड ठीक है और जब हम टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटेड्स को आपस में लेते हैं तो वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटेड आ जाते हैं क्लियर स्टूडेंट्स ना वट इज लिप्टोटीन लिप्टोटीन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन एंड इन दिस स्टेज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस फर्स्ट स्टेप इज डेट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस जिसकी वजह से मैथ भी इंक्रीज हो जाता है एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल टेक प्लेस एंड एंडसोम बिकम विजिबल थ्रेड लाइक एंड हैव सिस्टर और नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लें कि एक जो सेल्स होता है डिप्लॉयड ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं फोर्टी सिक्स होते हैं ठीक है तो यहाँ पे सेल के अंदर जो है फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं लेकिन एट अ टाइम हम उन सबको स्टडी नहीं कर सकते और हमें यह भी पता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर सेम प्रोसेस हो रहा होता है इसलिए हम जस्ट या तो टू लेते हैं या फोर या थ्री लेते हैं ठीक है उससे हमें पता चल जाता है कि बाकी सब में भी यही प्रोसेस होता है इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स लिए हैं फोर क्रोमोसोम्स दिए ठीक है और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये इनमें जो फर्स्ट क्रोमोसोम्स आमने सामने जो हैं ये क्या है एक दूसरे के होमोलॉग्स है इसी तरह जो सेकंड क्रोमोसोम्स ये एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं होमोलॉग्स क्या हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिमिलर इन शेप एंड साइज होते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट स्टेज इज ए जैगोटीन जैगोटीन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ऊपर ये अब जो होमोलॉग्स थे ये ठीक है ये अब एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? अब आप इनको यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ठीक है अब जैसे ही ये दो होमोलोगस दो होमोलोग uh, से ये दोनों एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होता है इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो होमोलोग क्रोमोसोम्स हैं इनके आपस में पेयर्स बनते हैं ठीक है अब दो पेयर्स बन गए हैं फर्स्ट टू जो क्रोमोसोम्स थे उनका आपस में पेयर बन गया और दूसरे दो थे उनका आपस में पेयर बन गया तो ये प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साइनेप्सिस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं ठीक है और जब ये होमोलोग्स क्रोमोसोम आपस में पेयर अप हो जाओ पेयर अप हो जाते हैं जैसे कि आप ये देखें फाइनल स्टेज जो है वो क्या है जैगोटीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो पेयर अप बना लिए अब ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है जब ये पेयर बनाते हैं तो ये क्या बना देते हैं दे फॉर्म टेट्रॉड्स ये क्या बन जाता है किस फॉर्म में आ जाता है टेट्रॉड्स टेट्रॉड्स हम कहते हैं क्योंकि एक जो पेयर है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं फोर आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर अब फोर क्रोमेटेड हैं तो इन्होंने टेड्रॉड बना दिया ठीक है और ये जो कम्प्लेक्स जो पेयर बना है एज अ रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस पेयर बना है या कम्प्लेक्स बना है इस कम्प्लेक्स को क्या कहते हैं साइनेप्टोन एमल कम्प्लेक्स आप नीचे यहां पे देख सकते हैं एरो के नीचे क्या लिखा हुआ है साइनेप्टोन एमल ठीक है क्लियर व्हाट इजोटीन it is the uh, subphase of prophase 1 in which what happen pairing of homologous chromosome take place and this process is known as what synapsis so what is synapsis the pairing of homologous chromosome is known as synapsis homologous chromosomes pair up and form tetrad there are how many number of chromatids present in the tetrad there are four number of Uh, four number of chromatids present in the tetrads. Next is pachytene. ठीक है? अब pachytene में क्या होगा? अब ये uh, chromosomes जो हैं, वो एक दूसरे के साथ उन्होंने pairing तो कर लिए, लेकिन जब ये पैकाइटीन में एंटर होते हैं तो क्या होता है इनके पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलेप हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट फेज में क्या होगा आप आप देख सकते हैं ये रेड पार्ट जो है इसने जो येलो क्रोमोसोम है उसका हाफ पार्ट के ऊपर ये क्या हो गया है ओवरलेप हो गया है तो इस प्रोसेस में क्या होता है स्टेप में इस फेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जिप अप हो जाते हैं ठीक है जैसे कोई जिप होती है उसको बंद करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं इसी तरह यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है उनकी क्या हुई है जिपिंग हुई है ठीक है और ये एक दूसरे के साथ जो है अटैच हुए हैं और उन्हें यहाँ पे क्या होता है जब ये अटैच होते हैं तो यहाँ पे ये यह अपने जो डी या जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होती है क्रॉसिंग होती है किसकी जेनेटिक मटेरियल्स की तो पैकाइटीन में बेसिकली कौन सा मैन -evet होता है यहां पे जेनेटिक मटेरियल्स की क्रॉसिंग अवर होती है यानी डीएनए या जेनेटिक पोर्शंस जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के तो ठीक है ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड में आप क्लियरली देख सकते हैं जब इनकी क्रॉसिंग uh, ओवर हो गई जिपिंग हो गई तो ये अपने जब डीएनए मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो इनके पोर्शन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं अब टोटली ऊपर यहाँ पर रेड था लेकिन जब इसने येलो के ऊपर ओवर किया ये क्रोमोसोम ने जो है एक्सचेंज कर दिया है अपना पार्ट ठीक है यहाँ पर येलो पार्ट आ गया और येलो के साथ यहाँ पर रेड इसी तरह दोनों में आप चेंजेस देख सकते हैं बट स्टिल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस फेज के अंदर भी यहाँ पर पेयरिंग अभी भी मौजूद है ये अभी भी एक दूसरे के साथ क्या है अटैच हैं और वो साइज वो साइड जहाँ पर ये डीएनए एक्सचेंज हुआ है जह, जहाँ पे ये एक दूसरे से अटैच हैं ठीक है इस साइड को क्या बोलते हैं काइजमा व्हाट काइजमा सो व्हाट इज पेकाइटीन इन दिस सब स्टेज फॉलोइंग इवेंट्स अकर पेकाइटीन के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं पेकाइटीन के अंदर दो मेन इवेंट्स होते हैं फर्स्ट वन इज डेट टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज है? है, chromatid है, है, करते हैं नॉन सिस्टर इसके लिए वापस देखें तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक uh, मटेरियल का तो किसके दरमियान हुआ है एक क्रोमेटेड क्रोमोसोम वन का है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम का ठीक है थीके? तो ये जब जो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स जो हैं, हमने पढ़ा था जो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के वो क्या कहलाते हैं नॉन सिस्टर होता है ठीक है, कहां पे होती है? के अंदर होती है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है बिकम जिप टुगेदर वो आपस में जिपिंग हो जाती है उनकी एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस नोन एज काइजमेटा और वो जो कम्प्लेक्स बनता है टू नॉन सिस्टर जब आपस में अप तो जो कम्पलेक्स बनता है टू नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स काइजेटा के ऊपर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं किसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो क्या करते हैं वो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर देते हैं दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स

जाइगोटीन, जाइगोटीन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है जाइगोटीन के अंदर हमेशा क्या होती है साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है जबकि पैकाइटीन में क्या होती है क्रॉसिंग ओवर होती है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट सब स्टेज इज डिप्लोटीन डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा वही क्रोमोसोम अब आप देख सकते हैं एक्सचेंज हुए हुए हैं लेकिन स्टिल वो एक कहाँ पे काइजमा की जो आ, एरिया है काइजमा पे वो स्टिल एक दूसरे से अटैच हैं लेकिन क्रोमोसोम का जो बा, बाकी पार्ट होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता जाता है ठीक जा, है पैकाइटिन में हमने देखा था वो स्टिल एक दूसरे से क्रॉसिंग हुई भी थी वो एक दूसरे से अटैच थे लेकिन जब ये डिप्लोटीन के अंदर आते हैं तो डिप्लोटीन में क्या होता है काइजमा को छोड़ के काइजमा का साइड है उसको छोड़ के बाकी जितना भी क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है सो वॉट हैपन इन डिप्लोटीन डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोग्स टेक प्लेस बट स्टिल होमोलोग्स एंकर एट द काइजा ठीक है क्लियर वो स्टेज ऑफ दिन ऑफ होमोलोग्स टेक प्लेस बट स्टिल होमोलोग्स अटेज टू द काइज्मा एंड लास्ट वन इज द डायसिस डायसिस में सिंपल आप देख सकते हैं कि टोटली totally जो क्रोमोसोम्स है काइज्मा वाले साइड से भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के तौर पर वो जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है सिंपल डायकाइनेसिस डायकाइनेसिस डाय मींस अवे डाई का मतलब ही अवे है तो डायकाइनेसिस में क्या होता है क्रोमोसोम्स टोटली totally एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ठीक है इट इज द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन होमोलोग गेट्स कम्प्लीटली अनहोक्ड एंड री ग देअर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेस न्यूक्लिया एंड न्यूक्लियर मेमब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर या यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी किस्म की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लिया प्रेजेंट नहीं है तो प्रोफेस का जब एंड होता है तो हाँ आ, सेल के अंदर से न्यूक् आय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कम्पलीटली डिसअपियर हो जाती हैं okay students today we learned about the meiosis and first we studied that meiosis was first discovered in 1876 by a german biologist called oscar hertwig and then we learned about the definition of meiosis which is that, that meiosis is the type of cell division in which parent cells divide into four daughter cells receiving half number of chromosomes as compared to their parent cells and then we studied the occurrence of meiosis and meiosis occurs during gametogenesis in case of animals and sporogenesis in case of animals in case of plants and then we learned about the stages of meiosis there are four stages of meiosis prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 and telophase 1 okay? अब स्टेजेस ऑफ म्योसिस में पहले आप देखें हमने पढ़ा था कि म्योसिस की भी फर्दर टू स्टेजेस हैं म्योसिस वन एंड म्योसिस टू तो ये सारी स्टेजेस किसकी हैं म्योसिस वन की हैं म्योसिस वन की, की फर्दर फोर स्टेज सब स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन एंड टीलो वन ठीक है अब इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा है ये डायरेक्ट म्यूसिस की सब स्टेजेस नहीं है म्योसिस फर्द, म्योसिस वन और टू में डिवाइड हुआ से हमने स्टडी किया था आज क्या किया है प्रोफेज वन एंड वी नो डेट प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इन स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम और पिक्चर यू कैन सी ऑफ प्रोफेज वन ओके okay? फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन डाइकेनेसिस और आप इनकी डायग्राम्स क्लियरली देख सकते हैं तो लेप्टोटीन में क्या होता है लेप्टोटी क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस एंड इन जाइगोटीन सैनिप्सिस बिगेन्स एंड सैनिप्टोन कम्पलेक्स फॉर्म्स एंड इन पेकाइटीन क्रॉसिंग ओवर डन क्रॉसिंग ओवर होती है पेकाइटीन में और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है डी एन एक्सचेंज बाय द नॉन सिस्टर क्रोमोडिट्स एंड दैन इन द डिपलोटीज यू कैन सी सैनैपिस एंडस एंड काइजमा विजिबल विद इन द बाइवेंट बाट यहाँ टेट्रॉस के लिए यूज़ किया गया है ठीक है एंड लास्ट वन इज़ द डायकाइसिस डायकाइनासिस में हमने पढ़ा डाई मीन अ वे इट्स मीन कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स इस स्टेज पर जो है वो क्लियरली जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पर प्रोफेस जो है वो एंड हो जाता है और न्यूक्लियर में ब्रेन जो है वो डिस इंटीग्रेट ब्रेक डाउन होती है उसकी और वह वहाँ से डिसपियर हो जाती है सो दीज आर द stages of the pro uh, phase one five uh, sub stages of pro phase one so clear every